भाई कितना काम हुआ है? कुछ भी नहीं। आज सेकंड डे ये पैनल्स खोले हुए हैं डोर्स के, कल तक ये बोल रहे हैं कि अभी हम लेने जा रहे हैं डिलीवरी XUV 700 की। तो बात की अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हफ्ते के अंदर फिर से चेकअप करानी है। और जो पार्किंग सेंसर्स वाला एरिया है, आज है संडे और ट्रैफिक बहुत ही कम है, सो अभी हम जा रहे हैं अपनी जो 700 की हमने PPF कराने को दी थी फ्राइडे इवनिंग में दी थी हमने, और आज हो रहा है संडे, शाम हो चुकी है, तो देखते हैं PPF कितनी हो चुकी है और आगे जो भी काम रहता है वो जितना काम हो चुका है दिखाता हूँ, बाकी पूरी वीडियो में मैं दिखा दूंगा टिल डिलीवरी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। भाई कितना काम हुआ है? कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? आज सेकंड डे है, मतलब 2 दिन को हो गए पूरे, गाड़ी ये लगी है ना। आजा देखते हैं क्या किया इन्होंने। यार मुझे तो लगा था काम हो गया होगा, म्यूजिक लगा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, मैं बीच में कट कर लूंगा। ये पैनल्स खोले हुए हैं डोर्स के, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ही हो चुकी है। मुझे लगा था इसका काफी काम हो गया होगा क्योंकि आज 2 दिन हो गए इसको प्रॉपरली, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, ना डिटेलिंग ना कुछ, बस यहाँ पे ये खोल दिए हैं पैनल्स और पीछे भी क्या ही काम है यार। हमने ये वाली गाड़ी भी देखी थी ना उस दिन हम जब आए थे, तो इसका तो भाई वही बता रहा है, अभी इंटीरियर का काम बाकी है इसका, और ये प्लास्टिक का पैनल है इसका भी काम बाकी है। तो इस हिसाब से हमारी वाली का तो टाइम ही लग जाएगा फिर, मुझे लगता है 1 हफ्ता लगा लेंगे उस हिसाब से ये। तो इस पे हाँ बैटरी कम है, बट आज 24 जुलाई है, संडे आ रहा है आज, तो अब गाड़ी का काम कुछ नहीं हुआ यार। क्या लगा तुझे? तो लगा था हो गया होगा अभी तक काफी। मैंने सोचा था आधा तो कम से कम कंप्लीट होगा, कल तक हो जाएगा, पता नहीं फिर किस बात से डिले। तो उसने कहा था डोर पैनल्स खुलने में टाइम लगा है। हमें परसों की डिलीवरी चाहिए, हमने इनको ऑलरेडी 3 दिन का टाइम दिया था, तो अब कल एक बार फिर से विजिट करते हैं, देखते हैं कि इनका काम कितना कुछ हुआ। The next day. तो आज है 3rd day, अंदर चल के देखते हैं कि कितनी PPF का काम हो चुका है। तो ये रही आपके सामने XUV 700। मुझे लगा था इसका काफी काम हो चुका होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज गए, अभी 2:30 बजने वाले, तो अभी बस एक ही पैनल इसका लगा है जो कि यहाँ डोर वाला है, बाकी आप पूरी गाड़ी देख रहे हो ऐसे ही है। कल तक ये बोल रहे हैं कि गाड़ी हमको डिलीवर कर देंगे, काम पूरा हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि मतलब कितना ही काम करेंगे, तो जादू ही हो जाएगा अगर पूरे गाड़ी का इन्होंने काम अच्छे से कर दिया। The next day. आज तो यार बहुत बारिश हो रही है, सिग्नल खुल चुका है और अभी हम लेने जा रहे हैं डिलीवरी XUV 700 की। यहाँ पे Isuzu D-Max है। अरे यार इतनी बारिश है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो यार इसका रिव्यू अगर मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। यहाँ पे गाड़ी का काम तो फाइनल हो चुका है, बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग चल रही है, लेकिन अब बाहर देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पे, पूरा पानी यहाँ पे भर चुका है हर जगह पे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी जो बैजिंग है ना वो लगी नहीं है, जैसे XUV 700 वगैरह की थी वो निकाल के रख दी है, तो वो इसलिए निकाली क्योंकि अभी अभी PPF लगी है, 6-7 दिन बाद जब दूसरी विजिट होगी तो तब यहाँ पे वो चीज़ लग जाएगी। तो भाई ऑलमोस्ट सारा ही काम हो चुका है, क्लीनिंग करनी है अभी। तो क्या लगता है आपको, अभी तक की जो इनकी क्वालिटी है कैसी है? क्वालिटी फिलहाल तो मुझे ऑलमोस्ट ठीक ही दिखी है, जब एक लास्ट का बम्पर, लास्ट बम्पर को छोड़ दिया, बम्पर को छोड़ दिया, उन्होंने बुलाया हफ्ते बाद के, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हफ्ते के अंदर फिर से चेकअप करानी है। बाकी जो टेल गेट का पोर्शन है वो मुझे थोड़ा बहुत लगा कि उन्होंने जल्दी में काम किया है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ा देखना रहेगा 10 दिन के बाद कैसा रहता है। और जो पार्किंग सेंसर्स वाला एरिया है उसकी कटिंग होगी, लेकिन वो भी थोड़े टाइम पे बाद होगी, तो देखते हैं वो कैसा रहता है। तो भाई फाइनली आपने गाड़ी की डिलीवरी ले ली है ना, कितने 4 दिन के बाद आपको मिली? 5 दिन के। तो अभी थोड़े बहुत बबल्स है, कहीं कहीं पर टक इन वगैरह रहता है, और जो सेंसर वाले पोर्शन है वो आपने ऑलरेडी आई थिंक वीडियो में देख लिया होगा, तो इस वीडियो के ऊपर भी मैं वो वाले शॉट्स ऐड कर दूंगा। ये 10 दिन का टाइम, तो आप चक्कर जरूर लगाना है, अगर कुछ कहीं से पील ऑफ हो रही है कोई, हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उन्हें रिप्लेस कर देंगे, कुछ भी जो अगर प्रॉब्लम आती है तो हफ्ते 10 दिन में हम ठीक कर देंगे। मतलब इन्होंने भी हफ्ते 10 दिन का टाइम मांगा है, जो छोटे मोटे बबल्स हैं और वो जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए। तो बट अभी तक की जो भी साइड के दोनों पार्ट्स पोर्शन है, साइड्स के डोर के जो पहले स्टार्ट किया था वो तो बहुत जबरदस्त, वो काफी सही किया, मतलब पता ही नहीं चलता PPF हुई भी है। साइड का पोर्शन या ऊपर वाला लगा लो पोर्शन, तो बहुत मतलब समझ नहीं आता कि PPF हुई है या ऐसे ही। उसका काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और फेंडर भी काफी अच्छा है, या परसों हुआ है वो थोड़ा सा है, बस अभी बोनेट का एक पोर्शन है जिसमें थोड़े थोड़े डॉट्स, इन्होंने कहा उसको छेड़ना मत, वो अपने आप बबल्स निकल जाएंगे।
टेल गेट वाला पार्ट मुझे लगा है थोड़ा सा जल्दी में इन्होंने किया, तो उसका भी हम फिर भी वेट करेंगे एक हफ्ते तक कि कैसा रहेगा। तो अभी बस ये एक डिलीवरी की वीडियो थी, मैंने ऑलरेडी आपको गाड़ी पूरी दिखा दी है। सो हफ्ते बाद इसका एक फाइनल जो भी टचअप होगा उसके बाद में प्रॉपर वीडियो एक और इसके रिलेटेड बनाऊंगा, छोटी सी रहेगी वो, बट वो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। और उस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी ड्राइव भी करेंगे और रिव्यू भी देंगे, यहाँ से आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। क्योंकि इसमें अभी इन्होंने रुकने को बोला है तो प्रॉपर मैं भी नहीं बोल सकता कि यार अच्छी है गंदी है, जो उनके हिसाब से ठीक ही है। 10 दिन का टाइम मिला तो हम जाहिर सी बात है कि अगर आप फोन को भी आप लैमिनेट करोगे तो बबल्स जाने में कुछ टाइम लगता है। तो बस इसी वजह से प्रॉपर अभी हम वो नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है, बस ठीक है। अभी 10 दिन के बाद आपको फाइनल आउटपुट पता चलेगा और गाड़ी की बहुत सारी चीजें ड्राइविंग वगैरह वो सब उस वीडियो में लेके आएंगे। तो भाई कितना आपको प्राइसिंग अभी फाइनली पड़ गया? लगभग 68-70 के पास पड़ा है ना, 68-70 हो सकता है, थोड़ा सा डिस्काउंट कर लें, बट 68-70 के आसपास इनको पड़ा है। तो एक साल की ऐसे वारंटी, अगर कोई भी एक पार्ट डैमेज होता है या कहीं पे कुछ पीपीएफ पील ऑफ हो जाती है किसी भी पार्ट पे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देंगे। साथ में जो भी 5 साल की वारंटी है ना, हर 6 महीने में आपको एक बार विजिट करना है और चेकअप इसका होगा जो भी रहेगा। तो जो माइनर स्क्रैचेस वगैरह रहते हैं उसको भी ये क्लीनिंग कर देंगे, और सेल्फ हील का तो इसमें ऑलरेडी है ही, जैसा पहले भी वीडियो में बोल चुके हैं। और बस बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।